हिमाचल प्रदेश के कोचिंग सेंटरों को लेकर अपनाए जा रहे रवैये को लेकर संस्थान आक्रोशित हैं। प्रदेश सरकार के अब तक कोचिंग सेंटर ना खोलने को लेकर एजुकेशन हब धर्मशाला के कोचिंग सेंटरों ने अपनी मांग उठाई है, जिसमें धर्मशाला के आधा दर्जन के करीब संस्थाओं ने सरकार के समक्ष अपनी बात भी रखी है। जिस तरह से सभी आर्थिक गतिविधियां, प्रोफेशनल एजुकेशन सहित अन्य सिस्टम को ओपन कर दिया गया है, तो ऐसे में कोचिंग सेंटरों को आखिर क्यों बंद रखा जा रहा है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ऑनलाइन सिस्टम में भी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अन्य राज्यों की तरह जिस तरह सेंटर खोल दिए गए हैं, उसी की तर्ज पर और नियमों सहित यहां भी इन्हें शुरू किया जाए, जिससे बच्चों को जॉब प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को भी दूर किया जा सके। कि हमारा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है कि हमारे जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वो पिछले 15-16 महीने से जो है वो बंद है, और उनको हमारी खोलने की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, क्योंकि बाकी जितने भी और सेक्टर हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, आपका रिलीजियस सेक्टर हो गया, जितने भी और सेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो खुल रहे हैं, और साथ ही बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी धीरे धीरे इस मामले में जो आगे बढ़ चढ़ के जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है। बाकी स्टेट्स भी जो हैं वो धीरे धीरे खुल रही हैं, वहाँ पे भी आपके कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो खुल रहे हैं, और बच्चों का जो भविष्य है वो इसके ऊपर टिका हुआ है। अगर आप एग्जामिनेशन रेगुलर बेसिस पे निकाल रहे हो और बच्चों को पढ़ने के लिए कोई संस्थान ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे उन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे और कैसे उनका भविष्य जो है वो बन पाएगा। ऑनलाइन माध्यम जो है वो इतना उपयोगी नहीं है, हम वो आजमा के देख चुके हैं, हमने 1.5 साल से वही माध्यम आजमाया है, और हम आपको वो चीज़ मतलब एक गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से इतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती जितनी ऑफलाइन माध्यम से की जा सकती है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है फिर से कि सरकार जो है वो हमारे निजी संस्थानों को खोलने के लिए कुछ अहम कदम या कुछ ठोस कदम